Assalamualaikum, my name is Nasir Salim, I'm from the address Real Estate and Builders. तीसरा राउंड के हवाले से जो है मैं आपको जो है बहुत अहम वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर जो है कौन से सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसकी जो है अभी क्या रेट चल रहा है और इसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसके ट्रांसफ़र वगैरह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा और स्टेप बाय स्टेप जो है मैं इसके जितने भी सेक्टर्स हैं उसको जो है डिस्कस करेंगे, कौन से सेक्टर के अंदर जो है वो कितने उसका जो है साइज़ है प्लॉट्स का और कमर्शियल्स के हवाले से, प्लस इसके अंदर कहाँ तक अभी जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह जो है हम अपनी सीरीज़ के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है सेक्टर 79। जी हाँ बिल्कुल, जो जैसे ही आप इसके जो है गेट से एंटर होते हैं तो सबसे पहला जो प्रीसेंट इसका जो है सबसे पहला जो इसका जो है सेक्टर आता है वो 79 है, जो कि तीसरे टाउन का जो है सबसे मेन एंट्रेंस के ऊपर आता है। इसके अंदर सब सेक्टर 1 है जो कि जिसकी जो है कैटेगरी है 120 स्क्वायर यार्ड की है प्लस 400 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है, दो कैटेगरीज के यहाँ पे जो है प्लॉट्स हैं। और इसके अंदर जो है जहाँ तक बात है डेवलपमेंट का तो बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग अपने जो है यहाँ पे क्या कहते हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने घर यहाँ पे तामीर कर रहे हैं। और सबसे बेहतर बात यह है कि ये जैसे ही गेट से इंटर होते हैं तो आपको बिल्कुल सबसे पहला जो है सेक्टर यही मिलेगा, सेक्टर 79। और यहाँ की जो है अभी बहुत तेज़ी से जो है इसकी मार्केट भी जो है अच्छी चल रही है, प्लस इसके अलावा जो इसके क्या कहते हैं रेट के हवाले से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे तकरीबन जो है आपको जो है 18 से 19 लाख के दरमियान आपको जो है 120 स्क्वायर यार्ड का जो है प्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप जो है 400 की जो कैटेगरी का जो है प्लॉट है वो अगर लेना चाहेंगे वो तकरीबन आपको जो है 70 से 75 लाख के दरमियान आपको जो है 400 की कैटेगरी का जो है प्लॉट मिल जाएगा। और इसी तरीके से ये जो है मैं अभी आपको जो है जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह अगर आप जो है वो किसी कॉर्नर कैटेगरी की तरफ जाएंगे जो कि अगर कॉर्नर हो पार्क फेस वगैरह या फिर अगर रोड की कैटेगरी का प्लॉट हो तो वो डेफिनेटली इसके अंदर जो है थोड़े से अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जो है मेन शहर तेसर की तरफ अगर जाएंगे फेसिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे भी आपको जो है 120 स्क्वायर यार्ड की जो है वो कटिंग मिलेगी, प्लस इसके अलावा 400 की भी कटिंग मिलेगी आपको। और 120 स्क्वायर यार्ड की कटिंग जो है वो आपको तकरीबन आपको जो है 70 से 72 लाख के दरमियान आपको जो है मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप जो है 400 की कैटेगरी की तरफ जाएंगे तो वो आपको 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 35 लाख के दरमियान बिल्कुल, ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये बिल्कुल पेड अमाउंट की तरफ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मिनिमम की तरफ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छे उसके अंदर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है इसी तरीके से अगर आप जो है वो कॉर्नर की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली एक्स्ट्रा अमाउंट आपको जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करके मिलेगा। और इसी के तरह इसी के बाद हम जाते हैं सेक्टर 79 सब सेक्टर 2 की तरफ, जो कि 120 स्क्वायर यार्ड के ऊपर जो है पूरा सेक्टर है। और यहाँ भी तकरीबन अमाउंट जो है वो कीमत तकरीबन सेम ही है 18 से 19 लाख के दरमियान 120 स्क्वायर यार्ड की। और इसी के बाद हम चलते हैं सब सेक्टर 3 की तरफ, वहाँ पे भी जो है दो कैटेगरी के जो है प्लॉट हैं और वहाँ पे 120 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है प्लस इसके अलावा 240 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी के प्लॉट्स हैं और अमाउंट तकरीबन सेम है, तकरीबन 18 से 19 लाख के दरमियान 17 ये थोड़ा सा जो है वो इसके बाद है, तो इस वजह से थोड़ा सा अमाउंट 10-15 हज़ार रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा 25-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, इतने के अंदर आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप 240 स्क्वायर यार्ड की तरफ कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो वो आपको जो है तकरीबन जो है 30-32 लाख के दरमियान जो है वो आपको जो है मिल जाएगा, फुल पेड अमाउंट एवरीथिंग इसके अंदर अलॉटमेंट के साथ जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये आपको जो है सब सेक्टर 3 के अंदर भी मिल जाएगा इस तरह। और फिर इसके बाद अगर आप चलते हैं सब सेक्टर 4 की तरफ, जो कि सिर्फ 80 गज के जो है वो वहाँ पे प्लॉट्स हैं और वहाँ पे आपको जो है
प्राइसेस के हवाले से मैं आपको बता दूँ, वही तकरीबन आपको जो है 12 से 13 लाख के दरमियान जो है आपको 80 गज का जो है वो प्लॉट मिल जाएगा। तो ये 4 सेक्टर्स है इसके अंदर, इसके जो है क्या कहते हैं तेसर टाउन का सबसे बेहतरीन सेक्टर है ये, और बिल्कुल एंट्रेंस से तकरीबन 1 किलोमीटर के दरमियान आपको जो है ये मिल जाएगा। और जहाँ तक बात रही कि जो इसकी ट्रांसफ़र वगैरह के हवाले से, तो 80 गज और 120 गज जो है वो आपको जो है 30 से 40 हज़ार के दरमियान जो है इसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर 250 से 400 गज की जो है वो प्लॉट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर 55 से 50 हज़ार के दरमियान जो है वो आपको इसके जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह नहीं है, और पूरे जो है ये एक वाइट सोसाइटी है मेरे ख्याल से, जहाँ पे जो है वो कोई टैक्स वगैरह नहीं है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आप इन्वेस्टमेंट अगर इसमें करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से हर जगह पर मार्केट जो है वो क्रैश हुई है, लेकिन यहाँ पर भी इसके ऊपर डिफरेंस पड़ा है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे मुनासिब रेट्स के अंदर जो है वो प्लॉट्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम आपको जो है फर्दर जितनी वीडियोस हैं उसके अंदर आपको जो है डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से जो है डिस्कस करेंगे, उसकी जो है आबादी के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और वहाँ पर जो है क्या डिवेलपमेंट चल रही है। गो के अभी बहुत से लोग जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारे हवाले इन सारे हवालों से लेके जितने भी सेक्टर्स हैं हम उसको जो है अपनी पूरी सीरीज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज़ में ये सेक्टर 79 को जो मैंने डिस्कस किया, जिसके अंदर सब सेक्टर 1, 2, 3 और 4 है। सब सेक्टर 1 के अंदर 120 गज के और 400 गज का जो है प्लॉट है। सब सेक्टर 2 के अंदर जो है वो आपको जो है सिर्फ 120 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिलेंगे। सब सेक्टर 3 के अंदर आपको जो है 120 स्क्वायर यार्ड और 240 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, और सब सेक्टर 4 के अंदर आपको 80 गज के जो है वो प्लॉट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे जो है सूरत हाल थी तीसरे टर्म के हवाले से। तो इंशाल्लाह जो है आपको जो है अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और व्हाट्सएप भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और फर्दर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट तो कर ही रहे हैं, कॉल वगैरह भी करके कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, तो फर्दर जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, फर्दर जितनी भी अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी वो इंशाल्लाह हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अल्लाह हाफिज़।